सुपर ट्रेडर स्ट्रेटजी, फिर एक संडे, फिर एक नई स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी जो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हमें भेजते हैं। लोग इसका बहुत ही फायदा उठा रहे हैं और इस सीरीज को बहुत ही पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्रेडर्स धीरे 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 सुपर ट्रेडर बनते जा रहे हैं। तो ये नया एपिसोड लेकर हम पहुंच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। और जानते हैं आज की ये स्ट्रेटजी हमें किसने भेजी है, तो देखिए। संडे टू संडे सुपर ट्रेडर स्ट्रेटजी, फ्रेंड्स ये सिलसिला हमने कुछ ही हफ्तों पहले शुरू किया था और काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। खास करके हमें इस बात की खुशी ही नहीं, गर्व भी होने लगा है, क्योंकि अपना गणित, अपना मैथमेटिक्स, अपना एनालिसिस लगा के हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइब इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी भेज रहे हैं कि हमें बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से, इस सीरीज से लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी ये स्ट्रेटजी में RSI वाली स्ट्रेटजी काफ़ी फेमस है, जो कि हमें रोहित भक्ते भाई ने भेजी थी, और उस स्ट्रेटजी के बाद में लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला है और काफ़ी स्ट्रेटजी भेज रहे हैं। आज फिर से एक बार रोहित भाई की ही स्ट्रेटजी हम लेकर आए हैं। रोहित भाई ने फिर से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी भेजी है और इस स्ट्रेटजी से भी हमें उम्मीद है कि RSI वाली स्ट्रेटजी की तरह इस स्ट्रेटजी से भी आप लोग खूब लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बोर्ड पे समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद हम स्क्रीन पर भी देखेंगे कि इसे वर्क कैसे करना है। फ्रेंड्स आज जो स्ट्रेटजी है वो एक्सपायरी के दिन करने वाली स्ट्रेटजी है, वो भी बैंक निफ्टी में। ये स्ट्रेटजी हम दोपहर को 1:30 बजे करते हैं, जब एक्सपायरी का कुछ ही टाइम बाकी रहता है तो। लेकिन हम देखते क्या है इस स्ट्रेटजी के लिए, दिन का पहला 15 मिनट का कैंडल। अब ये स्ट्रेटजी क्या है चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, सुबह जब पहली कैंडल बले 15 मिनट की, तो आपको मार्क कर लेना है उसका हाई और लो, ये आप मार्क कर लेंगे सुबह 1 से 1:30 बजे के बीच में, 1 से 1:30 बजे के बीच में आपको मार्केट चेक करना है। मार्केट का प्राइस अगर इसके ऊपर चल रहा है, ये हाई के ऊपर चल रहा है, तो आप कॉल ले लेंगे। कितने का कॉल लेना है आपको, 20 रुपये का, जो भी 20 रुपये के आसपास कॉल चल रहा होगा वो लेना है, और आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लेंगे 10 रुपये का। और अगर मार्केट सुबह की 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे चल रहा है, 1 से 1:30 बजे के बीच में आप कभी भी चेक करिए आपको क्या कंडीशन मिल रही है। अगर इसके नीचे चल रहा है तो आप क्या करेंगे, पुट ले लेंगे। कितने का, 20 रुपये के आसपास का, और SL लगा लेंगे आप 10 रुपये का। फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि दिन की पहली कैंडल एक्सपायरी देखिए 15 मिनट की, उसका हाई और लो हॉरिजॉन्टल लाइन से आप मार्क कर लेंगे, और 1 से 1:30 बजे के बीच में आप चेक करेंगे कि उस समय जो भी प्राइस चल रहा है क्या वो इसके ऊपर, मतलब 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर चल रहा है या हाई के नीचे चल रहा है। अगर हाई के ऊपर चल रहा है तो आप कॉल ले लेंगे 20 रुपये के आसपास का, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 10 रुपये का। और अगर लो के नीचे चल रहा है तो आप पुट ले लेंगे 20 रुपये के आसपास का, और स्टॉप लॉस लगाना है 10 रुपये का। तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट ये दोनों के बीच में चल रहा है, मतलब 15 मिनट की जो भी कैंडल बनी है उसके हाई और लो के बीच में चल रहा है, 1 से 1:30 बजे के बीच में, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अब वो साइडवेज जा सकता है मार्केट। अगर ऊपर टूटा है तो कॉल लेंगे, नीचे टूटा है तो पुट लेंगे। इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, आपका टारगेट रहेगा जो भी आपने लिया है उससे डबल, लेकिन ये आपको 20 के 40 तो क्या 100 भी देता है, क्योंकि 1:30 बजे के समय यूरोपियन मार्केट ओपन होती है, और यूरोपियन मार्केट ओपन होने से वो जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में ज़्यादा भागती भी है। तो अगर 1:30 बजे के आसपास में वो हाई दिखा रहा है तो कॉल में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको प्रॉफिट बुक करने की।
और अगर मार्केट लो के नीचे चल रहा है तो पुट में हमें अच्छा फायदा हो जाता है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये चांसेस आपको कभी कभी मिले, क्योंकि ज्यादातर ये 15 रुपए के अंदर ही घूमता है, लेकिन जब भी हमको हाई और लो के नीचे मिले तो हमको पैसे कमाने के एक अच्छे चांस मिल जाते हैं। जैसे ही आपका 20 वाला 40 पे पहुंचा तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 20 पे ले आइए एंट्री पॉइंट पे, या तो फिर 30 पे रखिए। फिर इस तरह से ट्रेलिंग करते करते आप मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपायरी के दिन जो लोग जीरो तो हीरो स्ट्रेटजी करते हैं, वो भी इस स्ट्रेटजी से बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि उनको किस ओर मार्केट जा सकता है वो एक डायरेक्शन मिल जाता है। देखिए, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर चल रहा है तो आपको कॉल के साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और 15 मिनट के लो के नीचे चल रहा है तो पुट के साइड। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन आपको जीरो टू हीरो के लिए भी मिल जाता है इस स्ट्रेटजी से। फ्रेंड्स, हमने इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग की है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो मिनिमम पैसे लग रहे हैं। अगर आप 20 रुपये का ले रहे हो तो एक लॉट आता है 25 का, मतलब 500 रुपये में आप ये ट्रेड कर सकते हो। सोचो 500 रुपये, और आपका रिस्क कितना है? सिर्फ 50%। प्रॉफिट आप 100, 200, 400, 500 कितना परसेंट भी प्रॉफिट आपका हो सकता है इसमें। तो ये स्ट्रेटजी आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा एक्सपायरी के दिन में, क्योंकि इसमें कम लागत है और कमाई ज्यादा। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी तो हमने बोर्ड पर देख ली, अब ऑन स्क्रीन भी देखते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ बातें आप लोगों से हो जाए। अगर आप भी अपनी स्ट्रेटजी हमें भेजना चाहते हैं ताकि हम सुपर ट्रेडर स्ट्रेटजी में वो स्ट्रेटजी लेकर आए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8160265667 पर अपनी स्ट्रेटजी भेज सकते हैं। हम उसका बैक टेस्ट करेंगे, अगर सही निकली तो सुपर ट्रेडर स्ट्रेटजी में वो जरूर लेकर आएंगे, और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड कर लेंगे। और एक तरीका और भी है हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, कि डिस्क्रिप्शन में हमने जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे रखा है। अगर वहां से आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है तो आप हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और ये एक अच्छा मौका है कि घर बैठे ही ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं आप। साथ ही अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमारे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, जो कि हर संडे को दोपहर 1 बजे होता है, तो सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो ज्वाइंट बटन है वहां से आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ऑन स्क्रीन ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है उसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे, और 1 से 1.5 बजे देखेंगे कि क्या हमारा प्राइस चल रहा है, या ऊपर चल रहा है या तो फिर नीचे चल रहा है। तो ये हमने मार्क कर लिया एक्सपायरी डे का फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का हाई और लो, और 1.5 बजे के आसपास, 1 से 1.5 बजे के आसपास में ये इस 15 मिनट कैंडल के अंदर ही चल रहा है, मतलब यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट इसके पहले वाली एक्सपायरी को चेक कर लेते हैं। वैसे ये देखिए, यहाँ पे हमने हाई और लो मार्क किया फर्स्ट कैंडल को, और 1 से 1.5 बजे के बीच में ये भी अंदर ही घूम रहा है, कोई चांस नहीं है ट्रेड का, इस दिन भी हम छोड़ देंगे। तो ये कभी कभी मिलता नहीं है, और कभी मिलता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। फिर हम देख लेंगे एक्सपायरी डे का एक कोई भी एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल, उसका हाई और लो मार्क किया 1.5 बजे के आसपास में, यहाँ फिर हम उसी रेंज में रह गए और यहाँ भी हमको ट्रेड नहीं मिला। तो 3 एक्सपायरी को हमको ट्रेड नहीं मिला। अब देखते हैं कि हमें ट्रेड कब मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने हाई और लो फर्स्ट कैंडल को मार्क कर लिया, और यहाँ हमको ट्रेड मिलेगा, यहाँ हमको 1 से 1.5 बजे के बीच में ये अपसाइड रेंज मिल रहा है, तो हम कॉल ले लेंगे, और आपका यहाँ पे आराम से 20 वाला कॉल 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से 200 पॉइंट का मोमेंट इंडेक्स ने कर दिया है। तो आपका जो भी प्रीमियम 20 वाला है वो 40 तो यहाँ पे आराम से हो ही जाएगा। तो अभी इसके बाद वाला एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। ये रहा, हमने लो मार्क किया, हाई मार्क किया,
और 1 से 1.5 बजे के बीच में ये हमको डाउन साइड मिला, मतलब लो के नीचे प्राइस चल रहा है, तो हम पुट ले लेंगे और इस दिन हमारी लॉटरी लग गई। यहाँ हमारा 20 वाला भी आराम से 100 हो जाएगा, क्योंकि ये कम से कम 300-400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे हमारा 20 वाला प्रीमियम भी 100 के आसपास, 80 से 100 के आसपास तो चला ही जाएगा। देखिए ये बेनिफिट होता है इस स्ट्रेटेजी का, जब नहीं मिलता है ट्रेड तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मिलता है तो कभी कभी बम्पर प्रॉफिट भी देता है, और है इजी, 500 रुपये लगने हैं और नुकसान इसमें होने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये जब भी मिलता है सिग्नल तो हमको परफेक्ट सिग्नल ही मिलता है। यहाँ पे 1.5 बजे के आसपास थोड़ा सा ऊपर गया और ये यहाँ पे आपका 20 का 40 तो हो ही जाएगा, इतना मोमेंट तो कर ही दिया था, तो यहाँ पे भी हमको 20 का 40 हो जाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंट हो गया था बैंक निफ्टी में। और इसके पहले वाला और देख लेते हैं, तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है, 1 से 1.5 बजे के बीच में देखना है कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। तो ये रहा, हमने हाई और लो मार्क कर लिया और 1.5 बजे के आसपास में ये मार्केट ऊपर चला गया हाई के, तो हम कॉल ले लेंगे और यहाँ पे भी हमारा ये 40 वाला एटलीस्ट 60 तो हो ही जाएगा, क्योंकि 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का मूव ये हो जाता है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, एक्सपायरी के दिन में जब ये कॉल देगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ज़रूर देगा। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।